सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए एक और नई वीडियो के संग। इसमें मैं दिखाऊंगा आपको कार वेंटिलेटेड सीट, आफ्टर मार्केट कार वेंटिलेटेड सीट है। जैसे हमारे जो प्रीमियम कार्स में ये फीचर आता है अभी तक, तो कि जो कार वेंटिलेशन सीट्स होती हैं जो टॉप मॉडल्स में आती हैं, कि कार में जैसे वेंटिलेशन रहता है जैसे कि वो गर्मी ना हो। जैसे गर्मियों के टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्वेटिंग की बहुत दिक्कत आती है, बैक हमारी पूरी स्वेटिंग हो जाती है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म पर अगर चल रहे हो आप ट्रैफिक में हो या कुछ है, खासकर दिल्ली में या ऐसे, क्योंकि गर्मी बहुत है इस वक्त, ठीक है। और रनिंग है आपकी रोज़ की 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे कंटिन्यूस रनिंग वाली चीज़ है, तो ये आपके लिए मतलब एक वरदान के टाइप का है, कि वरदान के साबित होगा। और इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है, 2700-2800 रुपये की चीज़ है, वेंटिलेशन पूरा हो जाता है प्रॉपर कूलिंग के साथ। सो अब मैं इसका दिखाऊंगा कैसे पैकेजिंग है। मैंने इसकी अमेजोन से मंगाया था, इसकी पैकेजिंग मैंने खोल दी थी, ठीक है। बट अब जो प्रोडक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्ट, वो मैं दिखाऊंगा। और इसके परचेज़ करने का अगर आपका मन बनता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और इसका मैं प्रॉपर रिव्यू दूंगा कि कैसा ये काम करता है, कितना बेनिफिशियल है, कि मतलब 2800 रुपया या 2700 रुपये जो भी अमाउंट आता है एट अ टाइम जब आप परचेज कर रहे हैं, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं, जो भी बेस्ट है, ठीक है। अगर ये सूटेबल है आपको लेने के लिए तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं होगा तो नहीं बताऊंगा। जो जनरल चीज़ें, जनरल ओपिनियन दूंगा कि कितना वर्थ है कितना नहीं है, कि मैं अपने ऊपर पर्टिकुलर यूज़ करूँगा थोड़ा टाइम के लिए, फिर मैं देखता हूँ। क्योंकि अभी देख रहे आप, जैसे दोपहर का टाइम हो रहा है, गर्मी हो रही है प्रॉपर, इसलिए मैं दोपहर में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में कि उसका एक्चुअल पता चल जाए क्या है। चलिए मैं पैकेट, इसका पैकेट दिखाता हूँ मैं कैसा है इसका पैकेट। मैंने अभी एक्चुअली गाड़ी में रख रखा है, ठीक है। सो ऐसा कुछ आया है पैकेट, ठीक है। अब मैं इसकी पूरी प्रॉपर खोल के दिखाता हूँ उसे कैसा कैसा चीज़ें हैं इसमें। QC पास ओके टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा पैकेटिंग है, इसमें पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो ऐसा कुछ कार्ड आता है इसका, ठीक है। इस पर लिखा है आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलेशन यूज़ प्रोडक्ट एटलीस्ट 8 आवर टू गेट एयर चैनल्स अलाइन, ठीक है। वैसे 8 आवर एक बहुत बड़ा टाइम है यार, इतना टाइम तक कौन वेट करेगा, मतलब 8 घंटे, ठीक है। अब रेगुलर यूज़ करेंगे तो 8 घंटे है बेस्ट। इसमें और भी चीज़ें हैं, ये बेसिकली इंस्टॉलेशन दिखाई है कि कैसे कैसे इंस्टॉलेशन होगा और क्या पावर आउटपुट है, करंट कितना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हमारे और आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। ऐसा कुछ प्रोडक्ट है ये हमारा, ये है इसकी मोटर, इसकी क्वालिटी, ठीक है। ये इसकी मोटर है, ये इसके चीज़ें हैं, ठीक है। ये है इसका स्विच ऑन ऑफ, ठीक है। पावर का है कि मतलब कितने लेवल पे आपको वो करनी है। ये अपना लाइटर पोर्ट पर लग जाता है, सीधे एज इट इज़ लाइटर पोर्ट पर लगा देंगे। ये है हमारा नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट है, ठीक है, केबल की तरह। अब इसमें बॉक्स में देखिए कैसे क्या है अंदर, इसमें चेन दी हुई है। अच्छा, ये सर्किट्स हैं इसके टोटल और ये मोटर है। इसकी वजह से वारंटी भी आती है, 1 साल की वारंटी लिखा हुआ है ऑन उस पर अमेज़ॉन पे, ठीक है। वो तो क्लेमेबल है, अगर जरूरत पड़ेगी तो क्लेम करेंगे ना। ये अब इसमें हुक्स दिए हुए हैं कुछ, जैसे एक ये हुक है, ठीक है। इसका कैसा इंस्टॉलेशन होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। और ये 2 हुक ये नीचे दिए हुए हैं, ठीक है, बैक पे। और ये हैं 2 अपने ऊपर के लिए, ठीक है। चलो मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ सीधे अंदर, गाड़ी में दिखाता हूँ। देखो गंदा हो गया, गाड़ी मेरी गंदी हो रखी है थोड़ी, बट कोई नहीं, मैं इसे अब इंस्टॉलेशन पे अंदर दिखाते हैं कि कैसे कैसे इंस्टॉल होता है। चलो इसे इंस्टॉल करते हैं, इसे हमारे ये रख दिया मैंने, अगर सीट पे ही डायरेक्ट फिट होता है, वैसे ब्लैक कलर होता तो और बढ़िया लगता है। जैसे अगर ब्लैक अगर सीट कवर होते, जैसे मेरे में हेड रेस्ट नहीं है, जिसके में हेड रेस्ट है उसके लिए इसने कपलर दिए हुए, ऐसे करके कपलर लगा सकते हैं। मैं तो उसे डायरेक्ट ही लगा देता हूँ, ऐसे कर दिया, ठीक है। हमारा टाइप बना दी, लोगे अपना ऐप पे, ठीक है। ये अपना ये नीचे ही रहेगा, अपने इस चार्जर को उधर करते हैं। बट हाँ, अब इसमें ये जो हुक्स हैं ये नीचे जाएंगे, अब वो मैं दिखाता हूँ कैसे। नीचे ऐसे धक्का देना है दोनों हुक को अंदर, और ये बाहर निकल आएंगे, ठीक है। सब पूरी तरह अंदर दे दिया, हम कर दिया है सेम एज, मैं उधर से भी कर देता हूँ, ठीक है। सो हम आ गए हैं इसके बैक साइड पे, ठीक है। बैक साइड पर थोड़ा सीट आगे कर देता हूँ मैं सीधे, जैसे चीज़ों कवर हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखो, अगर आपको दिखा पाऊँगा, ये देखो ये आ गया है, दिख रहा है ना आप, इधर भी जैसे ये प्रॉपर बाहर आ चुका है, ठीक है। अब इसे हम बाहर खींच लेंगे,
बस दैट्स इट। ऐसे खींच के इसे हमें ऐसे कर देना है, सेम एज इट इज इधर भी करना है, बस दैट्स इट। ठीक है, ये इधर सेट हो गया हमारा और ये इधर सेट हो गया दोनों। और ये कपलर अपना इधर आ गया। ठीक है, सो ऐसा कुछ हो गया है, ये चीज़ें हैं। अब ये हमारा बस्ता है इधर मेन। ठीक है, ये मेन वाला जो पार्ट है मतलब इसे अंदर नीचे टक कर देंगे हम। ठीक है, जैसे भी अपना स्पेस बनता है इसे टक कर दिया हमने, ये अपना इधर सेट हो गया है। ये है हमारा इसमें जो फैन था, और इसकी वायरिंग देखो ऐसा कुछ है, ये अपना फिक्स हो गया है, पूरा प्रॉपर फिट है, सीट के शेप में प्रॉपर फिटिंग है इसकी। ठीक है, अपना इधर उधर कर सकते हैं अपने जैसे रिक्वायरमेंट है। सो मैं बैठ जाता हूँ उधर। अब जैसे ये आ गया हमारा वायर, ठीक है, मैं सभी ओपन नहीं करता हूँ, डायरेक्ट ऐसे लगा देते हैं। ओके, सो ये स्विच है हमारा इधर, ये फैन चालू हो चुका है हमारा, आवाज़ आई होप आ रही होगी आपको। फैन ही आवाज़ कर रहा है, ये एक तरह से जैसे हमारा होता है ना घरों में एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, ये यहाँ से सक करता है, ठीक है, एयर को, और अंदर इसमें फ्लो करेगा पूरे इस पे, इस पोर्शन पे, यहाँ भी। ठीक है, ये है और ये पोर्शन है ना। अब इस पे हम एसी का, इसमें जो कहा गया है, जैसे मैं स्टार्टर अंदर बैठ के दिखाता हूँ उसमें चीज़ें कैसे कैसे काम करती है, ना पहले मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ। सो गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, अब मैं दिखाता हूँ। देखिए एसी ऑन कर रखा मैंने, ठीक है, दो पे चला रहा हूँ। ये हमें रखना होता है पैरों पे और अपने फेस पे, दोनों के वाला पे। इससे क्या होगा, नीचे का जो ब्लोअर है यहाँ पे क्योंकि कूलिंग होगा, तो ये हमारा जो फैन है इसे वहाँ से जो ठंडी एयर है उसे अपना कैप्चर करके इसमें ट्रांसफ़र कर देगा आगे। ठीक है, अब थोड़ी देर हम इसे घुमाएंगे, ठीक है, फिर मैं आपको रिव्यू दूंगा कि कैसा कैसा इसका है। बट हाँ, फिटिंग वाइज मतलब इससे कि मतलब बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, फिट एंड फिनिश है, कोई ऐसा लगता नहीं। अगर आपकी ब्लैक कार होगी तो बहुत। सो गाइस, जैसे इंस्टॉल हो चुका है आपने देख लिया इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब इसका जो फैन का वर्किंग है वो प्रॉपर मुझे महसूस होती है। देखिए ऐसा नहीं है इसमें कि मतलब फ़ैन है कि वेंटिलेशन काम होता है, कि सिर्फ थोड़ा कूलिंग देना, पंखा नहीं चलेगा नीचे, कि आप सोचें कि मतलब कमर में पंखे की हवा आ रही है या पैरों में नीचे पंखे की हवा आएगी, ये वेंटिलेशन देगा, ठंडा देगा, कूलिंग देता है। क्योंकि मैंने एसी अपना ऑन कर रखा है, मैं मतलब साथ के संग मैं ट्राई भी कर रहा हूँ इस चीज़ को कि क्या मतलब रिस्पॉन्स दे रहा है। नो डाउट फील होता है कि इसके अंदर कूलिंग आ रही है, एसी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है उसकी ठंडक को अंदर इनहेल करके। ये मतलब मैं कहता हूँ कि यार अगर आप ट्रिप वाले बंदे हैं या डेली रनिंग वाले हैं या फिर ऐसे टैक्सी वाले हैं, या 2500-3000 रुपये की चीज़ है, मतलब बहुत वर्थ रहेगी आपके लिए। मतलब एक पर्सनल सजेशन करा, वो आप अपना यूज़ करके देख सकते हैं, लगा के देख सकते हैं। बट यस, मैं अगर एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ कि मतलब यार बहुत बढ़िया है, मतलब